हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकर्षिता ब्लॉग्स। आज हम कैरेट लेंस ज्वेलरी देखने वाले। फॉर जो ईयर रिंग है आपको हैंगिंग में मिल रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा ईयर रिंग है। 18 कैरेट येलो गोल्ड में है। ये आपको 31,000 के अप्रॉक्स में मिल जाएगा। इसका वेट आपको 4 ग्राम में मिल रहा है। ये टैग पे मेंशन किया रहता है। नेक्स्ट वाला ये सुविधा का पैटर्न में बना हुआ है। 18 कैरेट येलो गोल्ड में है। ये भी 3.43 ग्राम इसका वेट है। ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 26,456 रुपीज़ में मिल जाएगा। नेक्स्ट वन है, ये भी आपको 18 कैरेट गोल्ड में मिल रहा है। 4.27 ग्राम इसका ग्रॉस वेट है। ये इयर रिंग आपको 32,900 के अप्रॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला, ये भी आपको 18 कैरेट गोल्ड में मिल रहा है। 4.24 ग्राम इसका वेट है। अप्रॉक्सीमेटली ये आपको 33,574 रुपीज़ के अप्रॉक्स में मिल जाएगा। इसमें पर्ल यूज किया गया है। 18 कैरेट गोल्ड में मिल रहा है। 3.83 ग्राम इसका ग्रॉस वेट है। 2.93 ग्राम का इसमें गोल्ड यूज किया गया है। ये अप्रॉक्सीमेटली 22,562 रुपीज़ के अप्रॉक्स में मिल जाएगा। इस टाइप में है ये। नेक्स्ट वाला, ये भी आपको सुविधा का ही पैटर्न मिल रहा है। बहुत ही लाइट वेट में 0.78 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया। ओनली 7,000 में ये रिंग आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला ये वाला है, ये भी आपको येलो गोल्ड में ही मिल रहा है। स्क्रू आपको इस टाइप में मिल रहा है। ये आपको 9,822 रुपीज़ के अप्रॉक्स में मिल जाएगा। डेली यूज कीजिएगा, बहुत खूबसूरत है। इसका वेट 1.18 ग्राम है, ग्रॉस वेट। नेक्स्ट वाला 2.16 ग्राम इसका ग्रॉस वेट है। 1.85 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया। गोल्ड का प्योरिटी 14 कैरेट है। येलो गोल्ड में आपको मिल रहा है। पर्ल यूज किया गया इसमें। ये अप्रॉक्सीमेटली 15,400 में आपको मिल जाएगा। स्क्रू आपको इस टाइप में मिल रहा है। डेली यूज के लिए बहुत अच्छा है ये। नेक्स्ट वाला 4 ग्राम में आपको मिल रहा है। 18 कैरेट गोल्ड का प्योरिटी है। मैट फिनिश और ग्लॉसी फिनिश दोनों दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत है ये। 31,500 के अप्रॉक्स में मिल जाएगा। स्क्रू आपको इस टाइप में मिल रहा है। सामने से देखने में तो और भी खूबसूरत लग रहा है ये इयरिंग। नेक्स्ट वाला ये आपको लाइट वेट में मिल रहा है। ओनली 2.99 ग्राम ग्रॉस वेट है। 2.67 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया। 18 कैरेट गोल्ड का प्योरिटी है। येलो गोल्ड में है ये। पर्ल यूज किया गया। आपको 21,700 के अप्रॉक्स में मिल जाएगा। स्क्रू आप देख सकते हो इसका। नेक्स्ट वाला ये होप इयरिंग टाइप का 14 कैरेट गोल्ड में आपको मिल रहा है। येलो गोल्ड में 0.89 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया। आपको ओनली 9,000 का अप्रॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला ये भी बहुत ही खूबसूरत इयरिंग आपको मिल रहा है। 2.42 ग्राम है। गोल्ड का प्योरिटी 18 कैरेट है। येलो गोल्ड में मिल रहा है। मैट फिनिश दिया गया है इसको। इसका डिजाइन बहुत प्यारा लग रहा है। स्क्रू आपको इस टाइप में मिल रहा है। 18,015 रुपीज़ के अप्रॉक्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला इसका वेट 5 ग्राम में है। हैंगिंग में दिया गया है। ये अप्रॉक्सीमेटली 39,000 में आपको मिल जाएगा। इस टाइप में है ये। बैक साइड से इस टाइप में वर्क मिल रहा है आपको। नेक्स्ट वाला है, इसमें डायमंड यूज किया गया। गोल्ड का प्योरिटी 18 कैरेट है। येलो गोल्ड में आपको मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत सा ये। स्क्रू आपको इस टाइप में मिल रहा है। 7.25 ग्राम ग्रॉस वेट है। 7.17 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया। 14 सेंस का डायमंड है। अप्रॉक्सीमेटली 87,000 में आपको मिल जाएगा ये। नेक्स्ट वाला पिकॉक डिजाइन में आपको मिल रहा है। गोल्ड का प्योरिटी 18 कैरेट है। रोज गोल्ड में है। 10.47 ग्राम ग्रॉस वेट है। 10.3 ग्राम का इसमें गोल्ड यूज किया गया। पीस ऑफ डायमंड 244 है। 78 सेंस का डायमंड यूज किया गया। अप्रॉक्सीमेटली 1,45,000 में आपको मिल जाएगा। MRP पे आपको 20% फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है डायमंड ज्वेलरी पे कैरेट लेन में। नेक्स्ट वन जो है ये आपको 14 कैरेट येलो गोल्ड में मिल रहा है। पर्ल यूज किया गया। डायमंड भी है। 3.79 ग्राम ग्रॉस वेट है। 3.32 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया। स्क्रू आपको इस टाइप में मिल रहा है। ये आपको 73,600 के अप्रॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला ये 14 कैरेट येलो गोल्ड में आपको मिल रहा है। 11.2 ग्राम में बहुत ही ब्रॉड लुक देगा। वेयर कर कीजिएगा तो स्क्रू आपको इस टाइप में है। 11 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया इसमें। पीस ऑफ डायमंड 114 है। 85 सेंस का डायमंड है। अप्रॉक्सीमेटली 1,54,000 में मिल जाएगा आपको आफ्टर डिस्काउंट। नेक्स्ट वाला है आपको 18 कैरेट येलो गोल्ड में मिल रहा है। ये भी बहुत खूबसूरत सा इयरिंग है। 8.52 ग्राम ग्रॉस वेट है। 8.38 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया है। GH कलर है।
ऐसा ही क्लैरिटी है डायमंड का, ये अप्रॉक्सीमेटली 1,36,000 में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला ये आपको होप ईयर रिंग जैसा मिल रहा है, 14 कैरेट रोज गोल्ड में है ये, 2.85 ग्राम ग्रॉस वेट है, 2.79 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया। बैक साइड से आप देख सकते हो इस टाइप में आपको मिल रहा है, डेली यूज के लिए बहुत अच्छा है ये, 43,800 के अप्रॉक्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला है 18 कैरेट येलो गोल्ड में मिल रहा है आपको, 10.53 ग्राम ग्रॉस वेट है, 10.05 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया, एनामल से पेंट किया गया। बैक साइड से आपको इस टाइप में मिल रहा है, पीस ऑफ डायमंड 240 यूज किया गया, 1.07 कैरेट का डायमंड है, 1,73,000 के अप्रॉक्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला इसमें डायमंड के साथ एमराल्ड और रूबी यूज किया गया, ग्रॉस वेट 6.4 ग्राम है, 5 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया इसमें, गोल्ड का प्योरिटी 18 कैरेट है, येलो गोल्ड में आपको मिल रहा है। बैक साइड से आप देख सकते हो डायमंड जीएच कलर है, सही क्लैरिटी है, 34 सेंस का डायमंड है, 1,39,000 के अप्रॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला रोज गोल्ड में है, 18 कैरेट गोल्ड का प्योरिटी है, 3.51 ग्राम है, ग्रॉस वेट 3.44 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया, ये आपको 50,000 के अप्रॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला है फ्लावर पैटर्न में आपको मिल रहा है, 2.07 ग्राम ग्रॉस वेट है, 1.92 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया। बैक साइड से इस टाइप में 29,000 के अप्रॉक्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला ये भी आपको रोज गोल्ड में मिल रहा है, 2.61 ग्राम ग्रॉस वेट है, 2.57 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया। बैक साइड से इस टाइप में 34,000 के अप्रॉक्स में ये रिंग आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वन है 4.17 ग्राम ग्रॉस वेट है, 4.06 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया, गोल्ड का प्योरिटी 18 कैरेट येलो गोल्ड में आपको मिल रहा है, 96,000 के अप्रॉक्स में मिल जाएगा। पीस ऑफ डायमंड 70 यूज किया गया, 62 सेंस का डायमंड है इसमें लगा हुआ। नेक्स्ट वाला ये भी आपको रोज गोल्ड में मिल रहा है, 3.13 ग्राम ग्रॉस वेट है, 3.07 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया, ये आपको 47,000 के अप्रॉक्स में मिल जाएगा, 30 सेंस का डायमंड यूज किया गया इसमें। नेक्स्ट वाला है ये भी आपको 18 कैरेट रोज गोल्ड में मिल रहा है, 4.69 ग्राम ग्रॉस वेट है, 4.58 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया, ये अप्रॉक्सिमेटली 80,000 में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला ये भी आपको रोज गोल्ड में मिल रहा है, 4.23 ग्राम ग्रॉस वेट है, 4.13 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया। बैक साइड से इस टाइप में पीस ऑफ डायमंड 72 यूज किया गया इसमें, ये अप्रॉक्सिमेटली 78,000 में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला है 6.64 ग्राम ग्रॉस वेट है, 6.47 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया, पीस ऑफ डायमंड 46 है, बैक साइड से इस टाइप में मिल रहा है, 1,51,000 में आपको मिल जाएगा, 84 सेंस का डायमंड है इसमें। नेक्स्ट वाला है 1.97 ग्राम का ग्रॉस वेट है इसमें, 1.92 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया, बैक साइड से इस टाइप में मिल रहा है, गोल्ड का प्योरिटी 18 कैरेट है, येलो गोल्ड में 36,000 में ये रिंग आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला ये आपको 14 कैरेट गोल्ड में मिल रहा है, येलो गोल्ड में 6.39 ग्राम ग्रॉस वेट है, 6 ग्राम का गोल्ड यूज किया गया, अप्रॉक्सिमेटली ये आपको 74,000 में मिल जाएगा, 36 सेंस का डायमंड है इसमें। ये आपको 18 कैरेट रोज गोल्ड में मिल रहा है, 5.13 ग्राम ग्रॉस वेट है, 4.99 ग्राम का इसमें गोल्ड यूज किया गया, ये रिंग आपको अप्रॉक्सिमेटली 1,39,000 में मिल जाएगा। बैक साइड से आपको इस टाइप में मिल रहा है, होप ईयर रिंग टाइप का ही है, कुछ फिंगरिंग भी लेके आ रही हूँ मैं आप सबके लिए, 1.76 ग्राम ग्रॉस वेट है, 14 कैरेट येलो गोल्ड में मिल रहा है, ये आपको 11,770 रुपीज के अप्रॉक्स में मिल जाएगा, डेली यूज के लिए अच्छा है। नेक्स्ट वाला सेम पैटर्न में बट इसका गोल्ड का प्योरिटी 18 कैरेट है, 2.35 ग्राम ग्रॉस वेट है, ये आपको 19,872 रुपीज के अप्रॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला है 18 कैरेट में आपको मिल रहा है, 2.16 ग्राम ग्रॉस वेट है इसका, ये अप्रॉक्सिमेटली 17,840 रुपीज में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट वाला ये आपको ओनली 2 ग्राम में मिल रहा है, 18 कैरेट गोल्ड का प्योरिटी, ये आपको 17,891 रुपीज के अप्रॉक्स में मिल जाएगा।